अगर हो विश्वास और खुद पर भरोसा तो आसमान की ऊंचाई भी बोनी सी लगती है। कुछ ऐसा ही भरोसा था पूजा चितगोपिकर को, जिनके सर चढ़ा इस साल का मिस इंडिया अर्थ का ताज। पूजा का न्यूजीलैंड से इंडिया आकर इस खिताब को जीतने का मकसद तो हुआ पूरा, मगर इसके लिए उन्हें लेना पड़ा ब्रेक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई से। I think the most difficult part was the decision to actually come to India to pursue my dream to become Miss India. Because I'm actually in my fourth year of my MBBS. And even when I arrived in India, I was thinking, should I be here, shouldn't I? But once I found out that I'd been selected as a finalist, it was all go ahead from there. पूजा के मजबूत इरादे इस कॉन्टेस्ट के शुरुआती दौर से नजर आ रहे थे। किसी भी सब कॉन्टेस्ट में वो अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती थी और इसी लगन के चलते उन्हें मिला मिस परफेक्ट 10 और सेक्सी लेग्स का खिताब। I think this year it was a very tough competition. There were a lot of us who were really up there. So if you believe that you need to change something and if you have the determination to do it, you will do it. अनुपम खेर की एक्टिंग क्लासेस हो या सबीरा मर्चेंट की ग्रूमिंग क्लासेस, पूजा हर सेशन में शामिल रही पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मगर उनको खास मेहनत करनी पड़ी अपनी डिक्शन पर। डिक्शन क्लासेस विद सबीरा मर्चेंट हैव हेल्प्ड मी द मोस्ट। देयर आर ऑफ्टन टाइम्स व्हेन वी स्पीक एंड वी थिंक वी नो एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक, बट आफ्टर सबीरास क्लासेस आई रियलाइज देयर इज सो मच आई डोंट नो अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड आई फाउंड दैट द मोस्ट हेल्पफुल। हिंदुस्तान की तरफ से इस जमीन पर दुनिया भर की खूबसूरत हसीनाओं को कौन टक्कर देगा, इसका फैसला तो पूजा चितगोपिकर के रूप में हो चुका है और पूजा ने भी इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। मेहनत, लगन और जोश, इन सब के चलते पूजा के लिए इंटरनेशनल ताज को हासिल करने का लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम।